हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज हम रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली गाइस द थिंग इज, जैसा कि आजकल हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है कि लाइक रिलेटेड टू यू नो लाइक एनी प्रॉफिट इन हिंदुइज्म और लाइक इन इंडिया। सो उसी से रिलेटेड एक और वीडियो मिली है, लाइक वो हम लाइक अभी सर्च कर रहे हैं, आपके सामने चलती रहेंगी वीडियो भी, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ओके, जैसे सब सबने बोला लाइक देयर आर हंड्रेड लैक्स ऑफ नबीज सेंट टू अर्थ, उनमें से कुछ ही कुरान में इनका नाम लिखा गया है, बट ऑब्वियसली अगर लाखों पेज हैं तो कोई ना कोई हिंदुस्तान में भी आए होंगे जिनका जिक्र अभी नहीं कहीं हुआ, मे बी हमें नहीं पता। ओके, बट आज जो वी टॉपिक है रिवीलिंग द सरप्राइजिंग सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। ओके, जुल्फिकार की वीडियो है एंड मोहम्मद क्या एंड मोहम्मद। ओके, गॉट इट। ओके, सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वन सेकंड गाइस, मुझे यकीन नहीं होता कि हिंदू और इस्लाम मजहब में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये एक ही मजहब के दो अलग अलग वर्शन हैं, जैसा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में लाइक कभी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट आई थिंक दिस क्लेम इज टोटली wrong from my perspective, because मुझे लगता है हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर टू डिफरेंट रिलीजन जो कि बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के। नहीं, सिमिलैरिटीज तो होंगी थोड़े बहुत, थोड़ी बहुत हो सकती है आई थिंक, बट लाइक जैसे जो नबी पाक का जिक्र होना है और यहाँ तक के काबा का भी जिक्र है, हिंदू मजहब की किताबों और कुरान में कई बातें तो एग्जैक्ट सेम लिखी हैं, लेकिन ये सब जानने से पहले हमें इन दोनों रिलीजियंस की हिस्ट्री को जानना होगा। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया, इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। साल 610 BC, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत। गाइज लाइक आई डोंट सपोर्ट लाइक जो भी इनकी पिक्चर दिखाई जा रही है, ऑब्वियसली लाइक आई अंडरस्टैंड, बट लाइक दिस इज नॉट माई वीडियो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लाइक दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग बिकॉज उनका चेहरा नहीं दिखाया, बट आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन, सो मुझे लगा थोड़ा सा जी। बट जुल्फिकार आई थिंक द चैनल जिसका है वो भी एक मुस्लिम है, तो आई थिंक ही नो बेटर हम दोनों से, क्योंकि वी आर नॉन मुस्लिम, कि क्या है बेटर। सो या ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, इस तरह इस्लाम मजहब शुरू हुआ। लेकिन अगर हिंदू मजहब की हिस्ट्री को देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को नहीं पता कि ये मजहब कब बना और किसने बनाया। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस रिलीजन से जुड़े कुछ एविडेंस मिले हैं। इंडस वैली आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। हिंदू अपने मजहब को सनातन धर्म बोलते हैं, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से था, लेकिन सही तौर पर हिंदू मजहब को इसके वेदिक पीरियड के बाद ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब 1500 से 2000 BC में हिंदू मजहब के वेदों को लिखा गया था। जिस तरह इस्लाम में हमारे पास कुरान है, इसी तरह हिंदू मजहब में वेद होते हैं। इसके अलावा हिंदू लफ्ज़ के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो हिंदू लफ्ज़ है, इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। हिंदू लफ्ज़ सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, और हिंदू लफ्ज़ भी इस रिवर के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर कई फेमस हिंदू पोर्ट्स ने इस लफ्ज़ को मजहब से जोड़ा, और इसी तरह से हिंदू लफ्ज़ को आज के हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया। इसी तरह इस्लाम लफ्ज़ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले करके सुकून पा लेना। हिंदू मजहब इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज मजहब नहीं है, जिस तरह पूरा इस्लाम कुरान और हदीस पर टिका है, इस तरह हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब के बिलीफ्स ट्रेडिशनल, रीजनल और कास्ट बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। वेद, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, ये हिंदू मजहब की ऑथेंटिक किताबें हैं जिससे हिंदू मजहब को समझा जाता है, लेकिन वेदों को हिंदू मजहब में सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, जिस तरह हमारे इस्लाम में कुरान और हदीस की किताबें हैं। हिंदू मजहब के वेद, उपनिषद और पुराण आज से हजारों साल पहले कई इंटेलिजेंट लोगों ने लिखे थे। उस वक्त लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते थे, और इसी नॉलेज को इन किताबों में लिखा गया है। इन टेक्स्ट्स के अलावा भी हिंदू मजहब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियां हैं। इस्लाम की तरह हिंदू मजहब में भी फिरके बने हुए हैं। नबियों का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम और हिंदू मजहब दोनों में है। इस्लाम में जैसा कि हम जानते हैं
कि अल्लाह ने 124,000 नबियों को भेजा था और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह हिंदू मजहब में अवतार को माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि जब धर्म मुश्किल में होता है तो भगवान खुद से इंसान की शक्ल में धर्म को बचाने आते हैं, तो जिसे वो अवतार कहते हैं। गाइस, मैं पहले बता दूं, लाइक ना ही मैं हिंदू हूं ना ही मैं मुसलमान हूं, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि कमेंट्स में एक दूसरे रिलीजन में कुछ भी कमेंट करें। लाइक मैं जिस फैमिली में पैदा हूँ, मेरे मुस्लिम भी बहुत दोस्त हैं, हिंदू भी दोस्त हैं, आई रिस्पेक्ट बहुत रिलीजन, ठीक है, बट लाइक आई एम मोर इनटू लाइक इस्लाम, मुझे ज़्यादा पसंद है वो, लाइक मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 5 साल से, सो दैट्स वाई, बट प्लीज़ नो हेट टू एनी रिलीजन इन कमेंट। सो बाकी वीडियो देखते हैं अभी, ठीक है, अब मैं आपको रुकूंगा बीच में, जस्ट एक मैसेज मैं देना चाहता था। अवतार का मेंशन हमें किसी भी वेद में नहीं मिलता है सिवाय गीता और पुराण के, लेकिन इस्लाम में नबी तो अल्लाह के बंदे होते हैं, न कि अल्लाह खुद से इंसान की शक्ल में आता है। लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये अवतार लफ्ज इन दो लफ्जों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नीचे भेजा गया। तो स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार इन लोगों को कहा जाता है जिनका खुदा से खास ताल्लुक होता है। ऐसे लोगों का जिक्र हमें चारों वेदों में भी मिलता है और वेदों को तो हिंदू मजहब की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो हो सकता है कि अवतार असलियत में नबी ही हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का जिक्र हिंदू किताबों में है, तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। तो भी honest, मुझे भी नहीं पता। पुराण में ये लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का उस्ताद अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ साफ तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का नाम मोहम्मद लिया गया है और ये भी लिखा है कि वो अरब में आएगा। और यहाँ नबी पाक के साथी यानी सहाबा कराम का भी जिक्र है और यहाँ ये भी लिखा है कि वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर होगा। इसी तरह अथर्व वेद में भी लिखा है कि वो नरशंसा होगा, वो कोरामा होगा, जो कि 60,000 दुश्मनों में भी महफूज रहेगा। यहाँ बताया गया है कि वो नरशंसा होगा। नरशंसा का मतलब होता है तारीफ करने वाला और कोरामा का मतलब होता है पीस फैलाने वाला। और आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह ने नबी पाक को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, लेकिन कोरामा का एक और मतलब होता है एमिग्रेंट। और नबी पाक भी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे क्योंकि उस वक्त मक्का के लोग आपके सिटीजन बन चुके थे। इसके अलावा वेद में भी लिखा है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा जिसका रथ आसमान को छुएगा। आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऊंट पर सफर किया है। इसके अलावा अथर्व वेद में भी लिखा है जब वो लोग जंग के मैदान में तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो 10,000 दुश्मनों से लड़े बगैर जीत जाएंगे और कारू के खिलाफ। वो स्टोरी आई थिंक रोम के साथ जब आई थिंक लड़ाई करने जंग लड़ने गए थे, वहाँ पे लड़ाई हुई ही नहीं थी वो, एंड ही वाज लाइक डिक्लेयर्ड विनर विदाउट इवन फाइटिंग। यस, लिखा है कि जब वो जंग के मैदान में तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, यही अल्लाह कुरान में फरमाता है। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था और खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज़्यादा हो गई। और हिस्ट्री में जब मूता की जंग हुई उस वक्त 3,000 मुसलमान 10,000 काफिरों के मुकाबले में थे। और यहाँ ये भी लिखा है कि वो कारों के खिलाफ लड़ेंगे। कारों का मतलब होता है तारीफ करने वाला। अगर हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है अहमद, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का ही एक नाम है। इसके अलावा भी मंत्र नंबर 7 में लिखा है भगवान की मदद से अभांडुबिस चीफ्स और 60,099 दुश्मनों को हराएगा। और यहाँ जिस इंसान का नाम अभांडु लिया गया है इसका मतलब होता है यतीम, जो कि हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम बचपन से यतीम थे। सामवेद में ये लिखा है कि इस ऋषि को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। नबी पाक ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया क्योंकि आपको आपकी दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था। जिस तरह इस्लाम में हम इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं और हमें पता है कि क़ियामत से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, इसी तरह हिंदू मजहब में लोग कल की अवतार को मानते हैं और इनका ये मानना है कि जब भी कलयुग होता है तो कल की अवतार अपीयर होता है, जो कि विष्णु का ही एक अवतार होता है। कल की अवतार का हिंदू आज इंतज़ार कर रहे हैं। इनका मानना है कि कल की अवतार बहुत जल्द इस दुनिया में अपीयर होगा। इसी पर हिंदू मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू जिस कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है, और वो कल की अवतार हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम थे। वेदों में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले
वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत होगा और इसकी माँ का नाम सोमनिभ होगा। यहाँ इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भक्त बताया है। विष्णु भगत का मतलब है विष्णु का बंदा, और नबी पाक के वालिद का नाम था अब्दुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। इन दोनों लफ्जों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इसी तरह इस अवतार की माँ का नाम सोमनिभ बताया गया है, जिसका मतलब है शांति। नबी पाक की माँ का नाम था हजरत आमना, जिसका मतलब भी शांति ही है। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर पर जिंदा रहेगा, बिल्कुल जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम अरब में खजूर और जैतून इस्तेमाल करते थे और इसे पसंद भी बहुत करते थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार अपनी जमीन के रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम भी अरब के इज्जतदार खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। हिंदू मजहब में यह भी लिखा है कि कल के अवतार को भगवान गार में अपना मैसेज देंगे, एग्जैक्टली जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने गारे हिरा में अल्लाह का पहला मैसेज दिया। किताबों में यह भी लिखा है, जिसे हिंदू मानते हैं, कि कल के अवतार को भगवान एक ऐसा घोड़ा देंगे जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया सातों आसमान और जमीन घूमेगा। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने बुराक पर मेराज का सफर किया, किताबों में यह भी लिखा है कि इस अवतार को भगवान खुद मदद देंगे। एग्जैक्टली जिस तरह अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की बद्र की जंग में मदद की। हिंदू मजहब की किताबों में लिखा है कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में माहिर होगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम थे। जिस पर पंडित वेद प्रकाश का कहना है कि आज के दौर में तो कोई घोड़ों और तीरों का यूज़ नहीं करता, ये दौर तो कब का जा चुका है। अब तो मिसाइल्स, बॉम्ब्स और टैंक्स से जंगें लड़ी जाती हैं, तो इसीलिए हिंदू का इस अवतार का इंतज़ार करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये अवतार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ही थे, जो कि आज से 1400 साल पहले जा चुके हैं। आप देख सकते हो नबी पाक का जिक्र हिंदू मजहब में भी है, और इसके अलावा दुनिया के कई रिलीजियंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का जिक्र है। हिंदू और इस्लाम मजहब में और भी सिमिलैरिटीज हैं, जिस तरह हम जन्नत और दोजख पर ईमान रखते हैं। हिंदू मजहब में स्वर्ग और नर्क हैं। हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, हिंदू भी जानवर कुर्बान करते हैं। हम ज़कात देते हैं और हिंदू दान करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं। हम हज करने मक्का जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मक्का का जिक्र भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में है? आपने बिल्कुल सही सुना, हरिहरेश्वर महात्म्य में एक मंत्र है। इस मंत्र में लिखा है कि मक्का में विष्णु के पाँव के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ विष्णु से मुराद खुदा है, क्योंकि विष्णु का मतलब होता है सबको संभालने वाला, जो कि अल्लाह के एक और नाम इल्मुकितु का भी यही मतलब है। और हम मुसलमान भी काबा, जो कि मक्का में सिचुएटेड है, उसे अल्लाह का घर मानते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में लाजपत नाम की जगह को लिखा गया है, जो कि नाभा पृथ्वी पर सिचुएटेड है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस लाजपत वर्ड का मतलब अल्लाह की जगह है, क्योंकि ला का मतलब है अल्लाह और सपत का मतलब है जगह, और यहाँ बताया गया है कि ये जगह नाभा पृथ्वी पर है। नाभा पृथ्वी का मतलब है जमीन के दरमियान, यानी कि ये जगह अर्थ के सेंटर में मौजूद है। आप जानकर हैरान होगे कि काबा भी अर्थ के सेंटर में है। आप देख सकते हो कि इस्लाम और हिंदू मजहब में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों को लगता है वो ये है कि इस्लाम में हम एक अल्लाह को मानते हैं, और मूर्ति पूजा भी इस्लाम में हराम है। लेकिन हिंदू अलग अलग खुदाओं को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि उपनिषदों में ये साफ साफ लिखा है वो एक है और उसका दूसरा नहीं। उसके ना तो माँ बाप हैं और ना ही उसका कोई खुदा है, उस जैसा कोई नहीं, उसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती। भगवद गीता में भी लिखा है कि जिनकी अक्लों को उनकी इच्छाओं ने चुरा लिया है, वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं उस एक खुदा को छोड़कर। इसी तरह यजुर्वेद में भी लिखा है, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, और वो इबादत के लायक है, उसका कोई जिस्म नहीं, वो पाक है। वो अंधेरे में गहरे डूब जाते हैं जो संभूति यानी तख्लीक की इबादत करते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में भी लिखा है, पादरी एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं, उसकी इबादत करो जिस जैसा कोई नहीं, जो अकेला है, सिर्फ एक खुदा है, दूसरा नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, कम से कम नहीं, उसके सिवा किसी की इबादत न करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। अथर्ववेद में भी लिखा है, खुदा सबसे अजीम है। ये सारी बातें कुरान में एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी हैं। हिंदू मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स को ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर, जिससे आप अल्लाह भी कह सकते हो। शंकर आचार्य जी, जो हिंदू मजहब के सबसे बड़े स्कॉलर थे,
उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा ही सच है। वो भी एक ही खुदा में मानते थे, यानी कि खुदा एक है और वही सच है। लेकिन अगर हिंदू मजहब में एक खुदा का मानने का कहा गया है तो फिर क्यों लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं? इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है और जैसा कि आप जानते हो कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना सख्त गुनाह है, फिर भी आज आप देख सकते हो कि कितने मुसलमान शिरक करते हैं। हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है तो वहाँ ऐसा होना तो कोई ख़ास बात नहीं है। गौतम बुद्ध खुद सारी ज़िंदगी लोगों को बुतों की पूजा करने से रोकते रहे, लेकिन इनके मरने के बाद लोगों ने इनकी ही पूजा करना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को समंदर पार करवाया तो समंदर पार करते ही एक इंसान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह दिया कि आप हमें अपने रब की कोई मूर्ति बना दें ताकि हम इसकी पूजा कर सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी और लोगों ने उन्हें ही खुदा बना दिया। जिस तरह इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम हैं, इसी तरह हिंदू मजहब में एक ही खुदा के अलग अलग अवतार हैं। जिस तरह अल्लाह का हर नाम इसकी नई खूबी बयान करता है, इसी तरह जिसको अच्छाई पसंद है वो शिव को मानता है, जिसे प्यार पसंद है वो कृष्णा को मानता है। यानी कि ये सारे उस एक ही खुदा की अलग अलग खूबी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो खुदा सिर्फ एक है, जो कि हमने देखा कि वेदों में बार बार कहा गया है। जिस तरह अल्लाह को कोई रहमान के नाम से याद करता है तो कोई मालिक के नाम से, लेकिन याद तो उस एक ही को किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुओं ने उस एक खुदा को छोड़कर इन मूर्तियों को पकड़ लिया है जो कि इंसान ने खुद बनाई है, और वो खुद की बनाई हुई चीज़ के प्यार में पड़ गया है, और यही शिरक है। इन मूर्तियों को छोड़ो और उस एक को पकड़ो। वही तो राम है, शिव है, कृष्णा है, वही मेरा अल्लाह है, वही इस यूनिवर्स का सच है, जिसे हिंदू मजहब में सत्य कहते हैं। ऐसी तरह हिंदू मजहब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियाँ हैं जिनसे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, ऐसा हिस्ट्री में सच में नहीं हुआ था। ये कहानियाँ लोगों ने लिखी हैं इंसान को सबक देने के लिए। जिस तरह हमारे इस्लाम में भी मौलवी कई पीरों की कहानियाँ सुनाते हैं जिनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। इसके अलावा हिंदू मजहब तो बाकी मजहबों को भी सच मानता है। इसका मानना है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। हिंदू मजहब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि दूसरे मजहब झूठे हैं। इसी वजह से महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी इस्लाम की काफ़ी बार तारीफ की है। यहाँ तक कि कई हिंदू तो मेरे इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं और इनका मातम भी करते हैं, जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस मजहब पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं वो असलियत में तो एक ही खुदा को मानते हैं। इसीलिए हमें मूर्ति पूजा से हटकर उस एक खुदा की इबादत करनी चाहिए जिसका जिक्र कुरान और वेद दोनों में है। भाई साहब, लाइक द फर्स्ट थिंग आई वुड से, लाइक दिस इज द बेस्ट चैनल मैन, कम ऑन मैन, लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल। द वे ही मैनेज, लाइक ताकि कोई हिंदू हर्ट ना हो ना कोई मुसलमान हर्ट हो, तो वे मतलब उसने जिस तरीके से वीडियो बनाई है ना ब्रो, कम ऑन मैन, लाइक सैल्यूट टू यू। एंड द थिंग इज ऑब्वियसली, लाइक मैं डे वन से बात, लाइक मुझे पता थी, मैं बात बोलता था कि भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, एनीथिंग, गॉड बोले, द सोर्स इज वन, बस उसके रास्ते अलग हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम किसी के, मुझे लगता है पर्सनली, किसी बिलीफ को हम अगर कुछ बताने जाएंगे भी ये मत करो वो मत करो, लाइक वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे उस चीज़ के लेकर, राइट? सो टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मेरा तो मानना है कि देखो, लाइक जहाँ हिंदुज़म जा रहा है वहाँ जाने दो, जहाँ इस्लाम जा रहा है वहाँ जाने दो, जहाँ आपको जाना है अब वहाँ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट लाइक आइदर हिंदू नॉर मुस्लिम, ओके, बट स्टिल वी आर लर्निंग इस्लाम, बिकॉज लाइक जो हमने पहली वीडियो देखी थी, लाइक 99 में अल्लाह, लाइक एक वीडियो देखी थी हमने, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने जाना था, लाइक हमें मजा आया देख के भी, हमने दिस इज द थिंग वी वांट टू लर्न, हमें जानना है, बिकॉज आज से बचपन से मैंने सुना नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैंने पहले कभी इस्लाम के या हिंदुइज्म के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ा, कभी जानने का, मतलब जब भी ऐसे मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है किसी रिलीजन के बारे में जानना, आई थिंक हमारे बारे में डीपली सर्च करना कि एक्चुअल में है क्या। एंड एक और मैं बताऊं, हमारे चैनल की वजह से कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने कभी कुरान पढ़ी तक नहीं, बट नाम की मुस्लिम है, बट नाउ दे आर लर्निंग कुरान जस्ट बिकॉज ऑफ, हमारे साथ देखते हैं एंड दे लर्न, वी लर्न, सो दिस इज द बेस्ट थिंग मैन। बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारी वजह से कुरान पढ़ रहे हैं, जिनका टाइम की वजह से वो नहीं लर्न कर पा रहे, राइट? सो
एंड गाइस दिस इज अ वीडियो आई वाज लुकिंग फॉर. मजा आया देख के सुन के. लाइक इतना कोई अच्छा था किसी मौलाना ने नहीं समझाया जितने इस बंदे ने समझा दिया. ठीक है, ही इज गुड. ओके, आई थिंक आपसे मे बी एग्री करोगे या नॉट, बट आई रियली एंजॉयड. जो उन्होंने जो सोर्सेज बताया, लाइक सोर्सेज मैंने कभी हिंदी कोई किताब नहीं पढ़ी, कुरान में फिर भी पढ़ रहा हूँ, बट लाइक जो उन्होंने सोर्सेज दिखाया, आई डोंट नो कि ऑथेंटिक है या नहीं. ऑब्वियसली होने चाहिए वैसे, अगर इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक अ गारंटी बिकॉज मैंने कभी पढ़ा नहीं उस चीज़ के बारे में. बट इफ इट इज़ राइट, आई थिंक जो उन्होंने लिंक करने की कोशिश किया इस्लाम और हिंदुज्म को, आई थिंक काफ़ी हद तक दैट मेक सेंस. वही वो रिलेट या फिर डिफरेंस पता कर पाएंगे जिन्होंने बुक्स पढ़ी है सब. सो दैट्स द रीज़न आई एम लर्निंग कुरान. मैं मज़ा आ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मे बी हम और रिलीजन के बारे में भी सीखें. बट फॉर नाउ आई थिंक अगले 2 या 3 साल या मे बी 4 या 5 साल, आई डोंट नो, मैं कुरान की एक एक चीज़ जान रहूँगा, जो कि लाइक यू विल बी लाइक जॉइनिंग अस, लाइक पूरी जर्नी आप हमारे साथ ही रहोगे तो आपको ही पता चलेगा. स्टार्टिंग में मुझे इतनी नॉलेज नहीं हुई थी, धीरे धीरे बस मतलब बहुत पता लग गया. इट इज़ अ गुड वीडियो, मज़ा आया. सो गाइज कमेंट्स में बताएं आपकी राय क्या है. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस.